खूबसूरत मंजिल के लिए मुश्किल रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। आज की वीडियो में आपको सज्जी कोट और अम्ब्रेला वाटरफॉल के बारे में वो सारी मालूमात मिलेगी जिसके बाद आपका सफ़र खुशगवार और आसान गुजरेगा। अगर आप इस्लामाबाद से डिपार्ट करेंगे तो तीन रास्ते हैं सज्जी कोट वाटरफॉल पहुंचने के। पहला रास्ता है वाया हसन अब्दाल, दूसरा रास्ता वाया टैक्सिला और जो तीसरा रास्ता है जो हम लोगों ने चूज़ किया था वो है पीर सुहावा रोड। काफ़ी ज़िगज़ैग रोड है लेकिन द सीनरी इज़ माइंड ब्लोइंग, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। हवेलिया से सज्जी कोट तक आप बआसानी अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। सज्जी कोट आबशार इस्लामाबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर की ड्राइव पर है। हवेलिया तहसील एबटाबाद में वाक़े KPK का हसीन टूरिस्ट मकाम है जहां पहुंचना कदरे मुश्किल तो है लेकिन वहां पहुंचकर आपकी सारी थकन दूर हो जाती है। जब आप आबशार के करीब पहुंचते हैं तो इसकी आवाज़ से महसूस होते हैं। सज्जी कोट पहुंचकर आप अपनी गाड़ी पार्क कर दें और 10 मिनट डाउनहिल वॉक के बाद आप इस हसीन आबशार तक पहुंच गए हैं। वादी के हसीन मनाजिर और झरने की आवाज़ बहुत पुरसकून माहौल मुहैया करते हैं। वहाँ के मकामी पुलिस ऑफिसर का कहना था कि आबशार के नीचे खड़े होना मना है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हुए डूब चुके हैं। जहाँ पानी गिरता है वहाँ हैवी फ्लो की वजह से काफ़ी गहराई हो गई है, सो इसलिए आप मेहरबानी करके उसके करीब ना जाएं। इस सब खूबसूरती से हटकर अगर सहूलियात की बात की जाए तो कुछ मायूसी का सामना होता है क्योंकि इतनी प्यारी जगह पर बेसिक ज़रूरियात के लिए भी कुछ मौजूद नहीं है। जी हाँ, यहाँ टॉयलेट या खाने पीने के लिए आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ख़वातीन के लिए यह सहूलत ना होने से उन्हें मुश्किल का सामना हो सकता है। अगर आप थक गए हैं तो आपको देसी चारपाई की सहूलत भी मिल जाएगी ताकि आप आराम करने के बाद एक दफ़ा फिर से सज्जी कोट आबशार को इंजॉय कर सकें। अब हम आगे चलते हैं अम्ब्रेला आबशार की तरफ जो सज्जी कोट से चंद मिनट की ड्राइव पर वाक़े है, लेकिन अम्ब्रेला आबशार तक पहुंचना K2 पहाड़ सर करने जैसा है। सज्जी कोट की नस्बत यहाँ आपको कुछ दुकानें भी मिलेंगी, एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप कुछ नोश फरमा सकते हैं। जो लोग अम्ब्रेला आबशार से होकर वापस आ रहे थे मुझे मौका मिला उनसे कुछ सवाल पूछने का। तो क्या एक्सपीरियंस आपका, मीन पहला जज्बा? थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलूंगा क्योंकि ट्रैकिंग करके थक जाते थे, काफ़ी लंबा ट्रैक था, लेकिन जब ट्रैकिंग करके आप नीचे उतरते हैं और एक दफ़ा वाटरफॉल को देखते हैं और उसका व्यू देखते हैं ना तो सारी थकान एक दफ़ा खत्म हो जाती है। तो ट्रैकिंग कितना वक्त लगा आपको नीचे जाने में? अप्रॉक्सीमेटली इट्स क्लोज टू 20-25 मिनट्स। कैसे आप, कैसे जा रहा है आपका सफर ऊपर का? बेहतरीन जा रहा है जी। आपको अफसोस नहीं है आप यहाँ पे आए? नहीं बिल्कुल नहीं, आना चाहिए। अम्ब्रेला आबशार का रास्ता बहुत ढलान वाला है और बारिश की वजह से काफी फिसलन होती है, इसलिए अगर आप आते हुए हाइकिंग स्टिक ले आएंगे तो आपको आसानी होगी नीचे जाते हुए, लेकिन अगर आप अपनी हाइकिंग स्टिक भूल गए हैं तो आप यहाँ से भी किराए पे ले सकते हैं। माउंटेन शूज या हाइकिंग शूज आर ऑल्सो वेरी मच रिकमेंडेड। रास्ते में आप घोड़ा भी हायर कर सकते हैं लेकिन ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए नहीं। दुरुस्त, किसका घोड़ा है? घोड़ा किसका है आपका घोड़ा?
नीचे जाने के लिए घोड़ा है? नहीं भाई, नीचे मुश्किल है, वापसी ऊपर ले गया। नीचे क्यों मुश्किल है? ऊपर वाले ने भी बताया था नीचे उतराइए ना, कैसे घोड़ा नीचे तो गिरने का खतरा होगा। खुद को गालियां दोगे, क्यों आया हूं इधर? अच्छा, नीचे जाने में कितना वक्त लगा? क्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इधर कोई आएगा भी मैं उनको बोलूंगा नहीं जाओ। यार ये क्या कर रहे हैं, नीचे बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जवानों के लिए, सही है, लेकिन चप्पल का रास्ता नहीं है। चप्पल का रास्ता नहीं है, शू पहने, शू से थोड़ा आसानी हो जाती है, चप्पल से बिल्कुल नहीं। समझ आ रही? सच पूछे, इनकी बातें सुनकर मैं घबरा गया था। मैंने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे वापस जाने के लिए नहीं आया था, मैंने आगे ही जाना था। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह आ रहे हैं, देखो छोटी सी बच्ची, माशाल्लाह क्या बात है। कौन कहता रास्ता मुश्किल है, देखो छोटी बच्ची यार। समी भाई खुदा ना खौफ करो, बिल्कुल कहीं नहीं होते, चलना नहीं होना, मुश्किल है रास्ता, कसम से कमाल है, बहुत मुश्किल है। नीचे उतरने के दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों से आपको 40 या 50 मिनट लगेंगे। जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे आपको पहला रास्ता मिलेगा, वो ज़्यादा ढलान वाला रास्ता नहीं है, इसीलिए मोस्टली फैमिलीज वो रास्ता यूज़ करती हैं। जैसे आपको पता है कि मैं तो डेयर डेविल हूँ, तो इसीलिए मैंने मुश्किल रास्ता चूज़ किया, सेकेंड रास्ता चूज़ किया जिस पर हम जा रहे हैं। लेकिन मुझे आगे चल के लग पता जाएगा कि मुझे ये रास्ता नहीं चूज़ करना चाहिए था। ये सीन देखने के बाद आपको फौरन अंदाज़ा हो जाएगा सज्जी कोट और अम्ब्रेला वाटरफॉल में क्या फ़र्क है। ये देखें कितना फैलाव है यहाँ पे, और ये जो प्लेन जगह है यहाँ पे फैमिली ज़्यादातर पिकनिक करती हैं, और आगे जाके इतना दिलकश नज़ारा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन जिस मुश्किलात का मैंने कहा था वो ये मुश्किलात हैं, अगर आप ये वाला रास्ता चूज़ करेंगे, सेकेंड रास्ता। बुलंदी से गिरता हुआ पानी जब पथरीले चट्टानों से टकराता है तो ये मंजर देखकर इंसान अल्लाह की कुदरत पर हैरान हो जाता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसे मकामात पर थोड़ी सी तवज्जो दे और हल्की फुल्की सी फैसिलिटीज़ बना दे, नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट की भमार हो सकती है। सज्जी कोट और अम्ब्रेला वाटरफॉल अपनी जगह खूबसूरत है, इनसे बहता ठंडा पानी आपको ज़िंदगी की ताजगी का एहसास दिलाता है, और आप इनके कुदरती हुस्न में खोकर दुनियावी मसरूफियात को भूल जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद फैसला कर लिया कि सज्जी कोट या अम्ब्रेला वाटरफॉल ज़रूर जाना है, तो बताता चलूँ कि बेस्ट टाइम टू गो देयर इज़ बिटवीन मार्च एंड सितंबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने मुझसे 100 रुपये चार्ज किए। देखें ये सब वहाँ के लोकल लोग हैं जो ऐसे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इनको 100-200 रुपये दे दें सो दैट यू नो दे कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ दिस, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई लूट मार है। हाँ, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा फैमिली है तो फिर शायद ज़्यादा पैसे बन जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि इट्स टू मच। अगर आप सीढ़ी से नीचे जाएंगे
आगे जाके आपको और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। बी केयरफुल, आपने स्लिप कर दिया तो फिर आप गए काम से, फिर आप ना आगे के हैं ना पीछे के हैं, क्योंकि आप दोस्तों मुझे नहीं पता आपने वीडियो को कितना इंजॉय किया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आके मैंने खुद बेहद इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, ये तो आपको वीडियो में नज़र ही आ रहा होगा। घबराइए मत, आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर आइए, लेकिन आते वक्त उन सब बातों का ध्यान दीजिएगा जो मैंने इस वीडियो में कही हैं आपको, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके ज़रूर काम आएगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।